बात हम देश की राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक राजधानी मुंबई की भी कर रहे हैं, इसलिए मुंबई से शिवांगी ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दिल्ली का अपडेट ले लेते हैं। श्रद्धा, पिछले 24 घंटे में 5100 केस आए हैं, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, सड़कों पर कितनी सख्ती आपको देखने को मिल रही है और लोग इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया पूर्णिमा क्योंकि लगातार लोगों से ये कहा जा रहा था कि नियमों का पालन करें, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मसलन प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इस वक्त मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ और आप देखेंगे कि नियमों का पालन कैसे कराया जा रहा है। आप देखिए, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क लगाइए और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए नज़ारा, या तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि अभी भी हमें अंदर ऐसे लोग नजर आए हमारी रिपोर्ट में जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वही प्रशासन ने कई फैसले लिए हैं पूर्णिमा, एक आपको तस्वीर इधर दिखाना चाहूंगी क्योंकि यह फैसला लिया गया है कि अब उन राज्यों से वो यात्री आते हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, उनका रैंडम टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे 10 बजे से रैंडम टेस्ट शुरू हो जाएगा और ये इसलिए एक बार फिर से किया जा रहा है ताकि बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाए। इसके साथ ही जो अहम फैसला लिया गया है, दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल LNJP, वहाँ पर OPD बंद कर दी गई है आज के लिए, एम्स में भी बंद कर दी गई है। मसलन वैसी स्थिति देखने को मिल रही है पूर्णिमा जो एक साल पहले देखने को मिल रही थी। पहले लेकिन ये तो तय है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहकर OPD बंद करी गई, ऐसे रैंडम ये तो तय है श्रद्धा कि पुलिस प्रशासन एकदम मौजूद रहकर वहां पर सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि आप रैंडम टेस्ट की भी बात कर रही हैं, दूसरे राज्यों से आए लोगों की बस स्टैंड पे वो भी हमें देखने को मिल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि शायद इससे केसेस रुके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।